राखो सभा में मेरो मान यशोदा के छैया पूरी है हमारो
स्कंद भगवान के परिचित महाराज के आदरणीय श्रोतागण उपस्थित माताएं एवं बहने परम पूज्य संत भगवान भगवान की जैसी पावन कथा चल रही है और कथा का आज षष्ठम दिवस है, छठवां रोज है। हरिहर क्षेत्र मां गंगा के किनारे पर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज उन्हीं उत्तरानंदन परीक्षित को भगवान की कथा सुमरण करवा रहे हैं और उन्होंने बताया मथुरा कारागार में अवतार लेने के बाद में भगवान राती और रात मैया यशोदा बाबा नंद के घर गोकुल में पहुंचे हैं। बधाई बजने के बाद भगवान की अवस्था 5 दिन की हुई है। पूतना जैसी विशाल राक्षसी का भगवान ने वध किया, पूतना मारी गई। भोजराज कंस को पता चल गया, भोजराज कंस ने 17 नाम के राक्षस को भेजा, जो सोचने लगा भगवान को डाल से दबा के ले जाऊंगा। पालना के पास बैठ गया, कन्हैया ने अपना पैर उठा करके 17 के ऊपर रख दिया, इतना वजन बढ़ाया। बैठे ही बैठे 17 की गोविंदाई नमो नमः। जब 17 मारा गया, उसके बड़े भैया तृणाव्रत को भेजा, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है, भोजराज कंस का सितारा दिन पर दिन मंद पड़ता जा रहा है। जो राक्षस कंस भेजता है भगवान उसे मार देते हैं। कंस की सभा लगी है मथुरा में, बड़े बड़े बहादुर सभा में बैठे हैं। कैसा है दरबार, बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आन सभा बिच भाई, अकड़ कल को बहा बहा आवाज सभा में आई। हुआ क्या, अरे जब बहा धुने आई लगी है। बड़े बड़े बहादुर और सभा में बैठे बड़े
कंस की सभा लगी है, बड़े बड़े बहादुर उस सभा में आए। नारद जी ने जवाब दिया, भोजराज कंस कहिए बाबा, चित्त तो प्रसन्न है? जवाब दिया भगवान, आप ठीक है। बोले हमें तो ठीक नहीं लग रहे हो। बोले महाराज क्या कहे कैसे कहे कहने में आता नहीं, और बगैर कहे हमसे रहा जाता नहीं। भोजराज कंस दोनों हाथ जोड़ करके देव ऋषि नारद से कहता है, बाबा हमारे दिल की बात तुम्हारे अलावा भला मैं किससे करे। तहले की सी भर के कंस ने नारद को मेरा सुनाई। बाबा जी लखी सी भर के कंस ने नारद को मेरा सुनाई। मैंने जैसो करो इलाज रे बड़ी कैसे बीमारी। लगा नारद तुमने सुना होगा कि गोकुल में एक नंद नंद नाम का यादव रहता है। हाँ हाँ, उसी अहीर के दो छोरे कृष्ण और बलराम ज्योतिषियों ने दोनों हमारे काल बताए। नारद कहने लगे, इतनी सी छोटी बात को लेके परेशान हो गए? तुम्हारे पास बड़े बड़े बहादुर सभा में बैठे हैं, अरे किसी एक को भेज दो, कन्हैया मारा जाएगा। कंस कहने लगा, ये सब करके मैंने देख लिया, पूतना को भेजा, सत्रासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, कोई अभी तक लौट के नहीं आया। नारद कहने लगे, हमारे सामने दरबार में बीड़ा डलवा दो। दरबार में बीड़ा डलवाया गया, एक बक्सासुर नाम के राक्षस ने बीड़ा को चबा लिया और बक्सासुर कहने लगा, महाराज हमें भेज दो। अरे हम पूतना सत्रासुर तृणाव्रत जैसा कायर नहीं हूं, अगर मैं गए तो कन्हैया को जरूर मार के आएंगे। कंस कहने लगा, भैया तू चला जा, अब तेरे अलावा भला मेरा बचा भी कौन है। भोजराज कंस ने बकासुर का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, भैया जीवन इन प्राण को तेरा ही सिर्फ।
बन गया, क्या बन गया? बगुला। अब बगुला बन के पढ़ा गोकुल के लिए, मगर को भेषण करी आवारी, अब पहुंचो जहां पे खेले बचपन दिल बड़ो दुखारी है, प्रभु की लीला अपरंपार, कंस दिल बड़ो दुखारी है। बगुला बने राक्षस को भगवान ने पहचान लिया, और खेल ही खेल में भगवान ने उस बकासुर का वध कर दिया। बकासुर मारा गया, नारद सभा में बैठे तब तक खबर आ गई कि बकासुर भी मारा गया। अब भोजराज कंस की चिंता घटी नहीं और बढ़ गई। नारद ने जवाब दिया है, भोजराज कंस इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा, सांप मरे न लाठी। कंस हंसने लगा, कब बताओगे, मर जाएंगे तब? बोले अभी बताएंगे। बोलो क्या तरीका है? जवाब दिया बेटा कंस, बड़े बड़े बलवानों को तुमने भेजा, कन्हैया नहीं मारा गया, अब एक ही तरीका है। कौन सा? जवाब दिया एक चिट्ठी लिख करके तुम वृंदावन में पठवाओ, और उस चिट्ठी में लिख दो, दो छपरिया कमल के फूल काली देह से तोड़वा करके मथुरा राज्य सभा में भेजे जाए। बेटा एक बात तुम्हें नहीं मालूम, वो फूल तोड़ दे जाना ही, दो छपरियां कमल के फूल काली देह से मंगवाओ, रमणिक दीप का रहने वाला कालियानांग काली देह पे आके बस गया है, फूल तोड़ने जाएंगे तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे। वो